ढोल वालों की पिक्चरें देखो, ये ढोल वाले हैं, मतलब जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। ग्राउंड में ढोल वालों से ज्यादा कम तो क्राउड था, ढोल वाले ज्यादा थे ग्राउंड में बैठे हुए। और ये इनका ढोल इवेंट था जिसने 1 घंटा चलना था। इससे किसी आम बंदे की शादी का ढोल इवेंट अच्छा होता है? और ये इस काबिल नहीं था कि इसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा सके। मैंने कहा था कि यही होगा इस चैंपियंस कप में, 8 विकेटें बनेगी उस पर, जो है 7 विकेटें बनेगी उस पर, ये सब आके रन करेंगे, वाह वाह होगी। उसके बाद जब ये जाएंगे पाकिस्तान टीम में, तो जब वक्त आएगा कि पाकिस्तान से रन करने हैं तो फुस, और पाकिस्तान टीम हार के वापस आ जाएगी। यही कहानी चल रही है यार पाकिस्तान क्रिकेट की। क्या मकसद भाई ऐसी फ्लैट विकेटों पर कराने का, ये चैंपियंस कप मुझे समझा दो। नकवी पहली दफा लाउडली बोले हैं, हालांकि उनको बड़ा सॉफ्ट स्पोकन कहा जाता है और बड़े धीमे अंदाज में बात करते हैं, वो क्यों इतना लाउड हुए? उन्होंने डोमेस्टिक डायरेक्टर क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उस्मान बाला साहब को भी नहीं छोड़ा, इवन उन्होंने आपके 5 मेंटोर्स की भी क्लास ली। चेयरमैन साहब को पता चला कि कुछ सिफारिशी अमला यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो उन्होंने उसकी वजह से इसको कैंसिल करवा दिया। और यही बात उनको चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस कप के बारे में भी मालूम हुई कि यहाँ पर जो कोचेज़ हैं वो भी सिफारिशी हैं, और ये वो कोचेज़ हैं जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, उनका हाल बुरा है, तो उन्होंने क्या फ्यूचर तैयार करना है, तो वो इसको भी खत्म करने लगे। इस मैनेजमेंट की इतनी इंतहा हुई ना कि भाई मुझे तो डर लगने लग गया है कि भाई इस बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, ये कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे कि भाई इनसे अपने घर का एक डोमेस्टिक का कप नहीं मैनेज हो। ये लोग लाखों रुपये तनहाई लेते हैं, करोड़ों की करप्शन करते हैं, हजारों में लाखों में इनकी डेली आए, करोड़ों की गाड़ियां इनके पास, इन पे तरस ना खाओ यार, मुल्क से तो सब कुछ प्यार है, बट ये जो पीसीबी में बैठे हुए निकम्मे हैं ना, इन पे तरस ना खाओ। ये दिलीप ट्रॉफी हो रही थी, महमूद भाई अब इंडिया में घुस के तो खिलाड़ियों को निकालेंगे नहीं, लेकिन जो परफॉर्मेंस होती है ना वो पूरी दुनिया में यूं घूमती है, और ऐसा ही भाई बशीर खान ने किया है, और उनके भाई सरफराज खान, और इनके पीछे इनके मेंटोर, दिल बड़ा किसका हुआ, कॉलर कौन खड़ा करेगा, उनके ट्रेनर हैं जो उनके कोच हैं जो उनके मेंटोर हैं, और इधर आप 50-50 लाख रुपए में वो मेंटोर ला रहे हो जो चड्डी बनियान पहन के सिर्फ भागना दिखा रहे हैं। 5 दफा पाकिस्तान क्रिकेट में आए, 5 दफा वापस गए। 5 मेंटोर्स में मोहसिन नकवी साहब को शिकायत की कि सर हम यहाँ पर आए हैं ना, तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छा माहौल है ना, यहाँ पर ग्राउंड अच्छे हैं और पिचेज ऐसी हैं जिनके ऊपर हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम किस तरह से करें, हमारे होटल्स ऐसे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम इन सारे लोगों को लेकर किस तरह से कैरी करें, कुछ समझ नहीं आ रही। ये आपके हालात है, और आपने इसको इतनी हाइप देने की वजह से आप बच्चों के इमोशन से फिर से खेल गए, पैसों का जाया तो वो एक। क्रिकेट के बुरे दिन चल रहे हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि फैसलाबाद में जारी चैंपियंस कप से पाकिस्तान क्रिकेट एक नए रुख की तरफ जाएगी, मगर साबिक क्रिकेटर्स इस बात से इत्तफाक नहीं करते। वो और जो जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये चैंपियंस कप का मयार अगर तय करेगा कि पाकिस्तान की डायरेक्शन किस तरफ जाएगी, तो फिर हम कोई उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर है। आप ये लोगोस देखो, पाकिस्तान का चैंपियंस कप जिसके लिए नया पेज बना, नई टीमें बनी, स्पॉन्सर ढूंढेंगे, और आप इनके लोगो डिजाइन और इनके ये ग्राफिक्स देखो यार, यकीन मानो कोई आम बंदा हो ना जिसने 1 महीना मोबाइल जो है ना टच चलाया हो, वो इससे अच्छे ग्राफिक्स बना दे। मैच पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए मजमूई तौर पर अच्छा नहीं है जो जाता है, एक वजह इसमें ही आती है, और अगर आप बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो वो लोग जिनका काम है ये बारे में बताना, अगर आप उनसे पूछेंगे तो कोई भी आपको ये नहीं बताएगा। यार इन दोनों पाकिस्तान में चैंपियंस कप हो रहा है, जहाँ देखो तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी में क्राउड से ज्यादा ढोल वाले ज्यादा दिख रहे थे, और ढोल वाले भी ऐसे दिख रहे थे गली के जैसे, मतलब कोई बड़ा सिंगर नहीं, कोई फायरवर्क नहीं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिंपल सा, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उस टाइम ये, और जहाँ पाकिस्तान की मीडिया और कुछ एक्सपर्ट बोल भी रहे कि यार ये फिजूल में चैंपियंस कप करवाया गया है, पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए कर रहा है, जब ये चैंपियंस कप ही ऑर्गेनाइज नहीं करा पा रहे सही से, तो ये चैंपियन ट्रॉफी कैसे कराएंगे जहाँ सारी इंटरनेशनल टीम आएगी। ये सी अपने प्लेयरों को बचाने के लिए चैंपियंस कप कराया गया है, ये यहाँ पर फ्लैट विकेट में पाटा विकेट में रन बनाएंगे, और जब इंटरनेशनल में आएंगे फिर फेल हो जाएंगे, यहाँ पर रन बना बना के अपने फैंस को दिखाएंगे कि हम फॉर्म में आ गए, और जब इंटरनेशनल की टीम आएगी वहाँ फिसड्डी हो जाएगी सबके सब, इसलिए चैंपियंस कप कराया है। और इस चैंपियंस कप में देख सकते हो क्राउड भी नहीं दिख रहा, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई पसंद नहीं कर रहा देखना, और यहाँ तक कि फ्री भी कर रखा है टिकट, फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, और यहाँ देख सकते हो मेंटोर कितने पैसे ले रहे हैं दोस्ती के, सारे गुस्सा हो रहा है पीसीबी के ऊपर कि क्यों ऑर्गेनाइज कराया ये चैंपियंस कप सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए, जहाँ इंग्लैंड से टेस्ट मैच की तैयारी करने के बजाय यहाँ पर फ्लैट विकेट में चैंपियंस कप खेल रहे हैं यहाँ पर प्लेयर, और रन बना बना के सोच रहे कि फॉर्म में आ गए, चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। मैनेजमेंट की इतनी इंतहा हुई ना कि भाई मुझे तो डर लगने लग गया है कि भाई इस बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, ये कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे कि भाई इनसे अपने घर का एक डोमेस्टिक का कप नहीं मैनेज हो रहा, तो ये अल्लाह ही वाले है, कसम से मुझे तो बहुत डर लगने लग गया है, चैंपियन ट्रॉफी को ले गए, इनकी नलायकियां छुपाने लग जाऊं, ये लोग लाखों रुपए तनहाई लेते हैं, करोड़ों की करप्शन करते हैं, हजारों में लाखों में इनकी डेली आए,
करोड़ों की गाड़ियां हैं इनके पास, इन पे तरस ना खाओ यार, मुल्क से तो सब कुछ प्यार है, बट ये जो पीसीबी में बैठे हुए नकम्मे हैं ना, इन पे तरस ना खाओ यार, हमारा मुल्क है, हमें प्यार है, मुझे भी प्यार है सबसे ज्यादा, बट बात यह है कि मैं इन पे जो है ना इजी नहीं आऊंगा, आप भले जो कुछ भी कहते रहो, अब आप अरेंजमेंट सुनो यार, ये वो डोमेस्टिक का कप है जिसके लिए 15-20 दिन पहले पाकिस्तान के डोमेस्टिक के डायरेक्टर आ गए थे, पीसीबी के और ऑफिसर्स वगैरह आ गए थे कि भाई वहां जाएं, फैसिलिटीज देखें, ये देखें, वो देखें, और ये फैसिलिटीज थी आगे कि भाई मेंटर्स ने गिला किया, यहां प्रैक्टिस की फैसिलिटी नहीं है, आप 5 टीमें डोमेस्टिक की, आपके घर के प्लेयर वो गिला कर रहे हैं कि भाई हमारे पास प्रैक्टिस की फैसिलिटीज नहीं है, वो उनके मेंटर्स जो ना चेयरमैन को गिला कर रहे हैं, चेयरमैन आगे डोमेस्टिक के बंदे को कह रहे हैं कि भाई अरेंजमेंट्स क्यों नहीं है, तुम तो 15 दिन पहले आगे थे, तो ये कैसे चैंपियन ट्रॉफी मैनेज करेंगे मुझे बताओ। वो से लगभग पहली दफा लाउडली बोले हैं, हालांकि उनको बड़ा सॉफ्ट स्पोकन कहा जाता है और बड़े धीमे अंदाज में बात करते हैं, वो क्यों इतना लाउड हुए? उन्होंने डोमेस्टिक डायरेक्टर क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उस्मान बाला साहब को भी नहीं छोड़ा, इवन उन्होंने आपके 5 मेंटोर्स की भी क्लास ली है। बात कहां से शुरू हुई थी? बात सुन लेना, हुआ क्या था? हुआ यह था कि 5 मेंटोर्स ने मोहसिन नकवी साहब को शिकायत की कि सर हम यहां पर आए हैं, ना तो यहां पर प्रैक्टिस के भी कोई अच्छा माहौल है, ना यहां पर ग्राउंड्स अच्छे हैं, और पिचेस ऐसी हैं जिनके ऊपर हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम किस तरह से करें, हमारे होटल ऐसे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम इन सारे लोगों को लेकर किस तरह से कैरी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वहां पर जब ये बात हुई तो सबसे पहले उन्होंने जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है उनको और रदीम खान साहब को कहा कि आप तो 10-15 दिन पहले यहां विजिट करके गए, आप क्या करते रहे 15 दिन? आज मुझे ये बातें सुनने को मिल रही है, पैसा आपको खुला दिया, हर चीज इख्तियार आपको खुले दे दिए, लेकिन आज मेंटोर आपके सामने ये बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं जैसे एक शख्स कराची में जाकर तकरीर किया करता था ना, एक चिड़िया भी पर नहीं मारती थी, उस तरह का आलम था उस मीटिंग के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद मेंटोर्स को पूछा, जनाब आपको हायर किया था, आप आज मुझे 5वें-6वें दिन बता रहे हैं कि आपको ये चीज नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली, आपने पहले दिन क्यों नहीं बताया? महमूद भाई अब इंडिया में घुस के तो खिलाड़ियों को निकालेंगे नहीं, लेकिन जो परफॉर्मेंस होती है ना वो पूरी दुनिया में यूं घूमती है, और ऐसा ही भाई बशीर खान ने किया है, और उनके भाई सरफराज खान, और इनके पीछे इनके मेंटोर कौन, मेंटोर ये 5 मेंटोर नहीं जो इधर घूम रहे हैं बावली बत्तख, वो इनके वालिद हैं जिन्होंने बच्चों को ऐसा ट्रेंड किया, और बिल्कुल उनका इंटरव्यू अब उसका भाई बशीर खान है भाई। ये दिलीप ट्रॉफी हो रही थी और उसके अंदर उसने जब मौका मिला बड़े बड़े खिलाड़ी से फैटी जड़ दी 187 रन की। अब दिल बड़ा किसका हुआ, कॉलर कौन खड़ा करेगा, उनके ट्रेनर हैं जो उनके कोच हैं जो उनके मेंटोर हैं, और इधर आप 50-50 लाख रुपए में वो मेंटोर ला रहे हो जो चड्डी बनियान पहन के सिर्फ भागना दिखा रहे हैं। 5 दफा पाकिस्तान क्रिकेट में आए, 5 दफा वापस गए। चेयरमैन साहब को पता चला कि कुछ सिफारिशी अमला यहां पर इन्वॉल्व्ड है, तो उन्होंने उसकी वजह से इसको कैंसिल करवा दिया, और यही बात उनको चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस कप के बारे में भी मालूम हुई कि यहाँ पर जो कोचेज हैं वो भी सिफारिशी हैं, और ये वो कोचेज हैं जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ है, उनका हाल बुरा है, तो उन्होंने क्या फ्यूचर तैयार करना, तो वो इसको भी खत्म करने लगे थे, लेकिन फिर शायद वो यूटर्न वाली बात की वजह से उन्होंने फिर इसको जारी रखा। तो ये रीज़न है 19 अंडर 19 ना करवाने की। देखिए एक जो उसकी वजूहात बयान की जा रही हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद फंड्स की किल्लत, वो आपको लगती नहीं दिमाग को बात यार, फंड्स आप अगर आपके लिए पास फंड्स की कमी है, फर्ज कर लें चूंकि खबरें बातें हो रही है ना, तो क्या वो सिर्फ अंडर 19 के लिए है? यहाँ पर तो आपका एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पे आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने हैं उसके ऊपर, फिर ये बात जहन में नहीं लगती कि अंडर 19 का टूर्नामेंट आप इस वजह से बंद कर दें, आप उसको रोक दें, या आप उसको अल्तवा का शिकार हो जाए, तातुल आ जाए उसमें, शायद आपको पैसे की कमी, ऐसा हो नहीं, ऐसा वो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अच्छे खासे फंड्स मौजूद हैं। और जो तो सभी क्रिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये चैंपियंस कप का मैार अगर तय करेगा कि पाकिस्तान की डायरेक्शन किस तरफ जाएगी, तो फिर हम कोई उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर है। इसमें 2-3 चीजें हैं, कोई मुझे सभी क्रिकेटर ऐसा नहीं मिला जो कह रहा हो कि यार चैंपियंस कप चल रहा है बहुत जबरदस्त, और ये वो सब कह रहे हैं यार ये क्या क्वालिटी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझ रहा है कि ये मिनी पीएसएल है, बल्कि तमाम कप्तान जो इसमें खेल रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि ये मिनी पीएसएल है, और जो क्रिकेटर्स क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हैं वो भी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, मगर सभी क्रिकेटर्स इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसमें खिचड़ी क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल सभी क्रिकेटर्स का रोना धोना काफी हद तक ठीक है, मुझे भी डर इस बात का लग रहा है कि अगर इस चैंपियंस कप से हमने डिसाइड करना है कि हमारा मुस्तकबिल कैसे होना है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कैसे करनी है, ये सब होने हैं, तो मामला बड़ा खराब है। उसकी वजह यह दोस्तों कि एक पिच वैसी है, दूसरी बॉलिंग क्वालिटी वैसी है, हर टीम के अंदर एक आधा अच्छा बॉलर तो है, जैसे आप रिजवान की टीम में देख लें उसमें नसीम शाह वो बॉलर हैं जो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, अगर शाहनवाज धानी भी उसमें खेलते हैं और भी एक आधे हैं, बट वो मजेदार नहीं रहता। और पाकिस्तान के लेग स्पिनर्स देख लें, 3 खेले हैं, अगर हम कल की मैच की बात करें उसामा खेले हैं, जाहिद खेले हैं, शदाब खान खेले हैं, इनमें से कोई एक जो आपको थोड़ा सा बेहतर लगे। फिर एक मुबसर खान है जो स्पिन ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है, स्पिन करते हैं, वो ए टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कोई उनसे खास उम्मीद नहीं है। कल एक अब्दुल समद एक नए आए हैं जिन्होंने थोड़ी यू नो कि अच्छी इनिंग खेली, और लोग कहते हैं वो ऑलराउंडर हैं, बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, मैंने उनका फर्स्ट क्लास करियर चेक किया तो सिर्फ
एक विकेट है उनकी, तो ऑलराउंडर तो वो है नहीं, वो बैट्समैन है। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की फैसलाबाद की पिच के ऊपर छक्के मारने वाला क्या इंटरनेशनल मैयार पर पूरा उतर सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पीसीबी ने कुछ फ्री टिकट्स भी दी हुई है कुछ स्टैंड की, वो जो सीढ़ियों वाले स्टैंड है और जो कुछ वो सीट्स वाले स्टैंड है उनकी बहुत ही माइनर सी 200 रुपए टिकट रखी गई है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद का क्राउड बहुत जबरदस्त है, मजा आया। और जहां तक प्रोडक्शन क्वालिटी की बात है, मतलब वो भी ठीक है, अच्छी थी प्रोडक्शन क्वालिटी भी, बुरी नहीं थी कोई इतनी कि जिसको आप कहें कि जी कैमरा वर्क प्रॉपर नहीं था। एक डोमेस्टिक क्रिकेट के हिसाब से जो लाइव स्ट्रीमिंग थी, जो उसकी ब्रॉडकास्ट थी, वो अच्छी थी। कमेंटेटर्स भी गुजारे लाइक थे, सब ठीक थे। सिकंदर बख्त एक अच्छा कमेंटेटर है और साथ में सलमान भट्ट को डाला हुआ था, बाकी तो फिर आपको पता है कि वो कोई वकार यूनुस का भाई है और कोई किसी का भाई।